अरे सट सट, तू कौन है? पहले तू बता, तू कौन है? मैं लंका नगर की देवी लंकिनी हूँ। लंका की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, परंतु तू कहाँ चला जा रहा है? वही ठहर, मेरी आज्ञा के बिना इस प्रकार चोरों की भांति लंका में घुसने की चेष्टा करने वाला चोर ही मेरा आहार है। तूने मुझे चोर कहा? चोर तो स्वयं इस नगरी का राजा रावण है। ये चोरों की भांति एक अबला स्त्री को उठा लाया है और तू उसकी रक्षा कर रही है। हे कपिवर, मैं आपको पहचान गई। आप प्रभु श्री राम जी के दूत हैं। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि दिव्य लंकापुरी में 5 करोड़ वर्ष राज्य करेगा, तब ब्रह्मा जी के उक्त वर देने पर मैंने प्रार्थना की थी कि दुष्टों के वास से बड़ा दुख होगा और यहाँ धर्मात्मा का राज्य कब होगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब वानर के एक प्रहार से तू परास्त होकर बेहाल हो जाएगी, तब तू जान लेना कि लंका का विनाश का समय आ गया है। अब मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी सत्य प्रतीत होती दिखाई देती है। हे राम भक्त हनुमान, मैं बड़भागी हूँ जो आपके स्पर्श दर्शन और सत्संग से मुझे स्वर्ग और मोक्ष के सुख से भी बहुत बड़ा सुख प्राप्त हुआ है। हे राम भक्त हनुमान, आप कौशलपुरी के राजा श्री रघुनंदन को हृदय में बसाकर लंकापुरी में प्रवेश कर अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। बनाकर वह छोटा सा ढूंढ रही घर घर में जाए, पर नहीं पता सिया का मिलता, वक्त शाम का पहुंचाया। कोना कोना किले का ढूंढा, घर घर ढूंढा सारी रात। जहां पर घर था भक्त विभीषण का, वहां पर हो गई प्रभात। सारे घर की दीवारों पर राम राम लिखा दे दिखाए, तुलसी जी के नए नए बिरवे छत के ऊपर रहे लहराए। रावण लंका की नगरी में करे भयंकर दाने बास, मांस खाए खाए मदरा पीबे यहाँ कहाँ भक्तन को बात। तभी विभीषण बाहर आए कहते मुझसे राम ही राम, सन्मुख जाकर हनुमान ने हाथ जोड़ कर किया प्रणाम। बोले विभीषण आप कौन है, करके दया देव बतलाए, देकर दर्शन घर में मेरे बड़ भागी मुझे दिया बनाए। हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? राक्षसों की इस नगरी में आप कैसे आए? कृपा करके अपने बारे में विस्तार से बताएं। क्या आप प्रभु श्री राम के भक्तों में से कोई एक हैं? या फिर आप स्वयं प्रभु श्री राम ही हैं जो ब्राह्मण के वेश में मुझे कृतार्थ करने आए हैं? हे विप्रवर, रावण के अनुज विभीषण को अपना परिचय दीजिए, क्योंकि ना जाने क्यों आपको देखकर मेरे हृदय में आपके प्रति अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। कहने लगे पवन सुत मेरा केशरी नंदन नाम कहा है, सीता जी की सुत लेने को रामचंद्र ने दिया पठाए। ढूंढते हुए मुझे दिन गुजरा और दे गई सब रात बिताए, कहीं ना पता लगा सीता का, आप ही दो कुछ पता बताए। हे तात, मैं माता जानकी के दर्शन करना चाहता हूँ। अवश्य हनुमंत, माता जानकी अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करते हुए अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे प्रभु की प्रतीक्षा में बैठी है। भयानक और क्रूर राक्षसियां उन्हें दिन रात डराया करती हैं। हनुमंत, हे तात,
ये अशोक बाटका कहाँ है मुझे बताइए, ताकि मैं माता जानकी को प्रभु को संदेश सुना सकूं। हे हनुमंत, वहां तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत गुप्त एवं कठिन है। संपूर्ण अशोक वाटिका रावण के राक्षसों से घिरी हुई है, परंतु मैं आपको एक ऐसी युक्ति बताता हूं जिससे आप रावण के राक्षसों से बचकर सरलता से माता सीता से मिल सकेंगे। पता बताया तब विभीषण ने, हनुमान चल दिए हर साय। दिन तो बिता दिया लुग छिप कर, संजा होते ही जाओ जाए। देख के दुखी हुए वह मन में, तब ही रावण पहुँचाया। उसको देख के चढ़ तरवर पर बैठ गए वो देह छुपाए। कहन लगा रावण सीता से, सीता मेरी ओर निहार। रामचंद्र का नाम भूल जाए, अब तू मन से उसे विसार। पटरानी होकर लंका की, अब तुम पेश करो दिन रात। छोड़ दे अपनी तिरियाहट को, मान ले जो कुछ कहूँ मैं बात। इतनी सुनकर सीता जल गई, बोली कर तिनके की ओट। अपना मोह मत मुझे दिखा, बे पापी नालायक कुल चोट। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी इच्छा का आदर सहित पालन करो, वरना मैं इस कठोर चंद्रहास से तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हे दशग्रीव, तो फिर मेरा भी प्रण सुन लो। मेरे गले में मेरे रघुनाथ की भुजाओं की मालाएं पड़ेंगी, या तो फिर तुम्हारी ये तलवार। अच्छी बात है तो ले सीते। हे नाथ, ऐसा अधर्म मत कीजिए। स्वामी, यदि आवेश में आकर इसने आपसे कुछ अपशब्द भी कह दिए हैं, तो आप इसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इसी में आपका गौरव है। और वैसे भी अभी ये स्त्री असहाय है, और उस रीति से भी आपको उसको इतना कठोर दंड नहीं देना चाहिए। ठीक है महारानी मधुदरी, तुम्हारे कहने से मैं आज इसका वध नहीं करता, परंतु मैं इसे मात्र एक मास का समय देता हूँ। यदि इसने एक मास में मेरा कहा नहीं माना, तो मैं इस चंद्रहास से इसका शीश काट कर वध करूंगा। एक महीने की मोहलत है, जो मेरा कहना मानो ना, तो फिर मैं तलवार से तेरा सर भुट्टा सा देऊं उड़ाए। इतनी कहकर रावण चल दिया, सीता रही मन में घबराए। ले ले नाम राम का रूप, मौत वे अपनी रही मनाए। त्रिष्टा नारी एक भली थी, बोली सीता को समझाए। रोदन करो मत धीरज रखो, भक्त रावण का पहुँचाया है। बेटी बेटी चिंता मत कर, शीघ्र ही तेरे सारे दुखों का निवारण हो जाएगा, और तू इस बंधन से मुक्त होकर अपने प्रभु के दर्शन कर सकेगी। पुत्री, ऐसे सुखद सपनों से आंसू तो नहीं थमते ना माँ? आंसुओं को बह जाने दे पुत्री, लेकिन विश्वास रख, सपने सच होते हैं, होते हैं सपने सच। आज ये राक्षसियां डर कर चली गई है, अब तू चैन से सो ले, मैं प्रातःकाल अवश्य आऊंगी। सो ले। रोना सुनकर सीता जी का, हनुमान हो गए अधीर। राम राम कह तले अंगूठी, गेर दई होकर दिलगीर। देखी अंगूठी सीता जी ने, फौरन हाथ में लई उठाए। रामचंद्र की जान के उसको, रोने लगी वह करके हाय। कौन इसे यहाँ पर लाया है, कैसे यहाँ तक पहुँची यार। हाय किसी विपदा में अभी है, कहीं फंसे पापी के जाए। ये तो मेरे प्रभु श्री राम की मुद्रिका है, परंतु ये यहाँ कैसे आई? कहीं किसी राक्षस ने तो नहीं? नहीं, प्रभु को कौन जीत सकता है, वो तो अजय है। कहीं ये माया तो नहीं? लेकिन माया से ऐसे अंगूठे नहीं बनाए जा सकते।
फिर यहाँ कोई है? हे माता, आप सत्य कह रही हैं। ये अंगूठी माया रचित नहीं है, स्वयं प्रभु श्री राम ने मुझे अपने हाथों से दी थी। उन्हीं करुणा निदान की कृपा के सहारे मैं ये अंगूठी लेकर अशोक वाटिका तक आया हूँ। ये वही अंगूठी है माँ, जो गंगा किनारे केवट को देने के लिए आपने प्रभु श्री राम को स्वयं अपने हाथों से दी थी। हे भाई, तुम कौन हो जिसने अमृत वचन कहे? स्वयं करुणा निधान ने ये अंगूठी तुम्हें दी है, तो तुम सामने क्यों नहीं आते? छुपे क्यों हुए हो? जय श्री राम। हे माता, आप व्याकुल न होइए। कृपा के धाम सौंदर्य की मूर्ति प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण सहित पूर्णतः कुशल से हैं। परंतु हे माता, आपकी भ्रह में वो सदैव बहुत दुखी रहते हैं। पुत्र, तू नहीं जानता मैं भी उनकी विरह में कैसे कष्टों में जी रही हूँ। धीरज रखो दिल में अपने, कहूंगा सब रघुवर से हाल। इसे मार के तुम्हें छुड़ाने आवेंगे रघुवर तत्काल। हे माता, इस प्रकार व्याकुल मत होइए। प्रभु को शौर्य को याद करके अपने मन से भय को निकाल दीजिए, क्योंकि निशाचरों का ये समूह तो पतंगों के समान है और प्रभु श्री राम के बाण अग्नि के समान है, जिसमें जलकर ये राक्षस भस्म होने वाले हैं। अतः हे माता, अपने हृदय में धैर्य को धारण कीजिए। प्रभु श्री राम को यदि आपके यहाँ होने का पता होता तो वो अभी तक दुराचारी राक्षसों का नाश करके आपको यहाँ से ले जा चुके होते। माता, अब आपकी मुक्ति का समय दूर नहीं है। राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार अधिक समय तक नहीं रह सकता। मैं चाहूं तो अभी आपको यहां से प्रभु के पास ले जा सकता हूं, परंतु हे माता, मुझे इसके लिए प्रभु की आज्ञा नहीं। इसलिए हे जननी, कुछ समय और धीरज धरिए। प्रभु श्री राम बानरों की सेना के साथ यहां आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको यहां से ले जाएंगे। तब समस्त देवता अपने नेत्रों से यह दृश्य देखेंगे और तीनों लोक के देवता ऋषि नारद आदि प्रभु का गुण गाएंगे। कहने लगी सिया हनुमत से, मेरे दिल को हुआ विश्वास, अवस मुझे तुम ले जाओ घर के, निश्चर कुल का हो बेनास। हाथ जोड़कर हनुमत बोले, भूख मुझे मार ही सताए, जो तुम्हें आज्ञा दो अम्माता, इसके फल खाऊं मैं जाए। आज्ञा पाकर चले कूद कर, डाली डाली घूमे जाए, खाए खार फल तोड़े, पेड़ को तोड़ तोड़ कर रहे गिराए, एड़े उखाड़े बिरवे तोड़े, फूलों की बिगाड़। अरे भाई, इस अशोक वाटिका में देखो ये बंदर कहां से आ गया। अरे ये तो पूरे उपवन का सत्यानाश कर रहा है। मारो मारो इसे, ये कैसा दुस्साहस है? कौन है तू? तू कौन है? हम यहाँ के रखवाले हैं। तू नहीं जानता ये लंका के महाराज रावण की विशेष वाटिका है। तू नहीं जानता मैं अयोध्या के राजा राम का विशेष सेवक हूँ। मुझे मारेगा? ये ले, ये ले। अरे भैया भैया, ये तो कोई विचित्र बाना प्रतीत होता है। चलो चलो, इसकी सूचना महाराजा रावण को देते। भाग गए। महाराज की जय हो। महाराज, अशोक वाटिका में एक ऐसा विचित्र वानर घुस आया है जिसने सारी वाटिका को उजाड़ दिया है तथा कई राक्षसों को घायल कर उन्हें धराशाही कर दिया है। क्या कह रहे हो? एक बंदर ने वाटिका उजाड़ दी, सारे योद्धाओं को परास्त कर दिया और तुम उससे भयभीत होकर यहाँ भाग आए हो? महाराज, वह विचित्र बड़ा विचित्र वानर है। वह फलों को तो खाता ही है तथा वृक्षों को उखाड़ रहा है। जो उनको मारने जाता है तो वो मसल कर पृथ्वी पर इस तरह पड़ा इस तरह फेंक देता है जैसे कोई मिट्टी को मसल कर फेंक देता हो। और आश्चर्य, एक बंदर और इतना शक्तिशाली। जाओ, योद्धाओं को लेकर जाओ और उस उद्दंड बंदर का वध कर दो। जो आ गया महाराज। Oh, my God!
सबके पैरों उखाड़ दही दुहाई जमाली ने जाकर रावण के दरबार। रावण ने गुस्से में आकर भेजा बेटा अक्षय कुमार। रक्षा करो महाराज, रक्षा करो महाराज। तुम पुनः उस बंदर से मार खाकर लौट आए पुत्र अक्षय कुमार। आज्ञा पिताश्री। तुम स्वयं जाकर देखो पुत्र, ये घुसपैठिया बंदर कौन है जो हमारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर रहा है। परंतु उस वानर को साधारण वानर समझकर असावधानी न बरतना। वानर जाति में भी बड़े बड़े महाबली योद्धा हुए हैं। रणनीति भी यही कहती है, शत्रु चाहे छोटा हो या बड़ा, अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण करो। जो आज्ञा पिताश्री। अरे तो ये है वो निराला बंदर, इतना तुच्छ प्राणी, इसको तो मैं अभी नष्ट किए देता हूँ। जय श्री राम। अरे बंदर, दुष्ट वानर, ठहर, तेरी मृत्यु आज निकट है जो तू हमारी अशोक वाटिका उजाड़ रहा है। ये ले। मृत्युआस तेरी आई है। तुम्हारा अभिमानी पिता रावण तुम्हारा नाम अक्षय कुमार रखने से सोचता है कि तू कभी नष्ट नहीं होगा। ये तेरी भूल है, केवल प्रभु का नाम लेने वाला ही नष्ट नहीं हो सकता। जितने आए सबको मारा, हनुमान को लगी न मार, बचे खुचे भग गए वहां से जा पहुंचे रावण के द्वार। वो प्राप्त हो गए। क्या उसने अक्षय कुमार को भी मार डाला? हे लंका पति प्रभु, वो बंदर बहुत बलवान है। नहीं नहीं, अक्षय कुमार जैसे महाबली को मारने वाला कोई साधारण प्राणी नहीं, अवश्य ही ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि दिक्पालों ने मिलकर हमारे विनाश का कोई षड्यंत्र रचा है। मैंने अपार शक्ति वाले वानर देखे, पाली सुग्रीव महाबली जामन नल नील, परंतु ऐसा अद्भुत पराक्रम नहीं सुना। इंद्रजीत। हाँ पिताश्री, ये वानर कोई साधारण वानर नहीं लगता, परंतु आपके इंद्रजीत ने भी सभी शक्तिशाली देवताओं से लोहा लिया है। पर आज एक हनुमान नाम का वानर तीनों लोगों की अपार शक्ति और शौर की साक्षात मूर्ति बनकर आया है। फिर भी इंद्रजीत पर विजय पाना असंभव है। भाई अक्षय कुमार का बदला लेने के लिए मेरी भुजाएं अड़क रही हैं। पिताश्री मुझे आज्ञा दे। हम जानते हैं इंद्रजीत कि तीनों लोकों में तुमसे टक्कर लेने की शक्ति किसी में नहीं। तुम्हारा पराक्रम अस्त्र बल तपोबल हमारे ही समान है। जाओ पुत्र, तुम अवश्य जाओ और उस मरकट को जीवित पकड़कर मेरे सामने लाओ। देखूं तो ये बंदर कौन है और कहां से आया है। आप चिंता ना करें पिताश्री, ऐसा ही होगा। विजय बाबा।
कुंवर को मारा उस बानर ने, बहुत किया सेना का नाश। गुस्सा भर गया रावण बोला, भग जाना लायक बदकार, मेघनाद चल दिया रिस करके और बगिया में पहुंचा जाए। हनुमान को देख के बोला, वो बानर क्यों रा घबराए। जय श्री राम, जय श्री राम। ए वानर, क्या तूने ही अशोक वाटिका में उत्पात मचा रखा है? उत्पात तो तुम्हारे सैनिकों ने मचा रखा है। मैं तो केवल अपनी भूख मिटाने के लिए वाटिका में फल खाने आया था। भूखे थे, भूख मिटाने आए थे? इच्छुक की भांति हमारे द्वार पर आते, भिक्षा मिल जाती। यूं चोरों की भांति राजा की वाटिका में आने का प्रात तो ना करते? क्या जानते नहीं, हमारे राज में चोरी का दंड बड़ा ही कठोर है। मैं तो समझा था जिस नगरी का राजा स्वयं चोर हो, उस नगरी में चोर को दंड नहीं पारितोषिक मिलेगा। यदि इस राज में चोर को दंड मिलता है तो सर्वप्रथम तुम्हारे पिता को दंड मिलना चाहिए। चोरों की भांति एक अपला स्त्री को हर लाया है। लात मार कर मेघनाद के उसे धरन पर दिया गिरा। झटपट उठ कर मेघनाद ने हनुमत पर दी गदा चलाए। बदल पेतरा हनुमान ने दुश्मन का दिया बार बचाए। जो जो बार किए छत्री ने हनुमान ने दिए बचाए। अपने दांत और नाखूनों से उसको घायल दिया बनाए। तू तो सचमुच बलशाली है, तुझसे युद्ध करने में बड़ा आनंद आएगा। कहां गया ये वानर? जब ये देखा मेघनाद ने गुस्सा भरा बदन में जाए। व्याकुल होकर मेघनाद ने ब्रह्म पास को दिया चलाए। छिपकर हनुमान के ऊपर मेघनाद ने दही झुकाए। आता देखा ब्रह्म पास को मन में सोच करे हनुमान, जो तोड़ू मैं इसे मिटेगी जग में ब्रह्मा जी की आन। ये तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहा है। बाल्यकाल में मुझे देवताओं ने आशीर्वाद दिया था कि मुझ पर किसी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। आन न मेटू में ब्रह्मा की चाहे जान बचे या जाए। अपने आप को ब्रह्म पास में हनुमान ने लिया फसाए। ये मुझे मूर्छित होने का बहाना करना ही पड़ेगा। उद्दंड वानर, मैं इंद्रजीत हूं। इंद्रजीत, सैनिकों पकड़ लो इसे और ले चलो महाराज के समक्ष। Thank you.
लंकेश महाराज की जय हो। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार आपके अपराधी को पकड़ लाया हूं। वीर मेघनाथ, हमें तुमसे यही आशा थी, तुम्हारा पराक्रम सराहना के योग्य है। महाराज, ये सब आपकी शक्ति का प्रताप है। बस, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। आसन ग्रहण करो। इस वानर में ऐसी कौन सी विशेषता है? महाराज, ये देखने में जितना सीधा लगता है उतना सीधा साधा है नहीं। एक बार युद्ध करते हुए मैं भी विचलित हो गया था, फिर मैंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और इसे वश में किया। इंद्रजीत, इसे पकड़ने के लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा? जी महाराज। तब तो ये अवश्य ही हमारे सामने लाए जाने योग्य है। दुष्ट बंदर, तू कौन है और किसके बल पर तूने मेरी अशोक वाटिका को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? अरे दुष्ट, तूने किस अपराध से मेरे राक्षसों को मारा? क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं? हुकुम सुनाया है रावण ने, इसको फांसी देव लगाए। चली मारने दाने मिलकर, हाथ में रहे तलवार उठाए। मौत की सजा छोड़कर इसको और सजा का करो उपाय। एक चतुर दाना उठ बोला, इसकी सजा देऊं बतलाए। कपड़े घी और तेल पूंछ में लपेट के दो अब आग लगाए। ये मन मान गई सभी के और हृदय में गई समाए। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? देखो, इसकी पूछ तो अपने आप लंबी होती जा रही है। अरे भाई, भाई और कपड़े लपेटो। अरे भाई, और वस्त्र लाओ, वस्त्र लाओ, और वस्त्र लाओ। अरे भाई, भाई और कपड़े लपेटो। अरे भाई, और वस्त्र लाओ। अरे भाई, भाई और कपड़े लपेटो। अरे भाई, और वस्त्र लाओ, वस्त्र लाओ, और वस्त्र लाओ। नहीं, और वस्त्र ले गया। नगर में वस्त्र शेष बचा ही नहीं। क्या? अरे मगर इसकी पूछ तो लंबी होती चली आ रही है। अरे मित्र, हमारे इस राजमहल में घृणा, तेल, वस्त्र सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हम वस्त्र कहाँ से लाए? मुझे तो लगता है कि निश्चय ही ये वानर पूछ लपेटने के साथ हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। हाँ, ये जरूर मायावी है। हाँ, कोई मायावी चाल है इसकी। अब ये वस्त्र लपेटना बंद करो और इसकी पूछ में आग लगा दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। में आग दई असरों ने, ज्वाला एकदम भड़की जाए। कून पवन सुत ऊपर चढ़ गए, घर घर में दी आग लगा। बाप से आकर पास सिया के बोले, हाथ जोड़ सिरना। कोई निशानी देकर मुझको माता आज्ञा दो हर साय। चूड़ामण देकर सीता ने कहा, पवन सुत से समझाए। मेरी मुसीबत देख चले तुम, दीजो उनको खबर सुनाए। हे माता, आपको इस प्रकार व्यथित देखकर मुझे यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही, परंतु जब मैं यहाँ से जाऊंगा और प्रभु को आपका समाचार दूंगा, तभी तो प्रभु रावण को दंड देने के लिए यहाँ आ पाएंगे। अतः हे माता, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हाथ जोड़कर हनुमत बोले, माता सुन लो कान लगाए। सभी कहूंगा जाकर उनसे, देखी है जो बेपत अपार। खिड़की बंद गई सीता जी की,
मुख से बोल निकलता ना आए। आने से तो बहुत खुशी हुई, जाने को अब कहां न जाए। रोकर कहने लगी सीता जी, अच्छा वीर पवन सुत जाओ। व्यथा सुना कर मेरी राम को, जल्दी उनको लेकर आओ। आज्ञा पाए सिया की, चल दिए पवन पुत्र हो पवन सवार। मार्ग में नहीं देर लगाई, आ गए फौरन सागर पार। घेर के उनको चौथर पासे, पूछने लगे वहाँ का हाल। कहाँ पे सीता मिली आपको, हमें बताओ पूरा हाल। सुनकर मगन हुए मन सारे, फूले अंग में नहीं समाए। जहाँ सुग्रीव का नंदन बन था, सभी वहाँ पर पहुँचे जा। खुश होकर सुग्रीव ने सारा राम को किस्सा दिया बताए। काम सिद्ध कर आए बंदर, सीता का लिया पता लगाए। उसी समय आ गए वहाँ पर अंगद जाम बंत हनुमान। लंका में जो कुछ गुजरा था, सारा किस्सा किया बयान। रामचंद्र ने हनुमान को अपने पास लिया बिठला। कहाँ पर और कैसे रहती है, सारी बात कहो समझाए। अशोक वाटिका लंका अंदर, रावण ने रखी बनवाए। वहीं पे रखा है सीता को, चौथर पे पहरे लगवाए। वहीं पे रखा है सीता को, चौतरफा पहरे लगवाए। वहीं पे रखा है सीता को, चौतरफा पहरे।